कि बच्चा माँ के पास से उठ के आ रहा होता है और पेट शॉप वाले या कैनल वाले उसे स्टार्टर फूड देते हैं या सेरेलेक देते हैं या दही दे रहे होते हैं और आप ले जा करके उसे बच्चे को दूध पिला देते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। दूध इसलिए ना दें क्योंकि दूध में जो भी ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वो बच्चे के लीवर सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम को फेल कर देता है। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मिल्क इज वेरी हार्मफुल फॉर योर पपीज एंड योर एडल्ट्स टू। दूध से जुड़ी हुई आप सारी चीजें अपने कुत्तों को दे सकते हैं। आप पनीर दीजिए, आप छेना दीजिए, आप दही दीजिए, आप जो भी चाहें दीजिए, दूध से जुड़े दूध मत दीजिए। अब आते हैं सवाल पे, बच्चा जब भी आप ले, 1 महीने से कम का ना ले और 2-2.5 महीने से ऊपर का ना ले, क्योंकि यही वो समय है जिसमें बच्चा आपसे पोसा जाएगा, आपसे पाला जाएगा, आपको जानेगा कि ये मेरा पालनहार है, ये मेरा कर्ता धर्ता है, ये मेरे मालिक हैं। ठीक है, तो हमेशा 1 महीने से नीचे का बच्चा कभी मत ले। कोई पेट शॉप वाला कितना भी आपको बोले, कितना भी आपको प्रेरित करे कि सर ले जाइए, 25 दिन का है, ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो आपसे 8,000, 10,000, 15,000 लेने के बाद हाथ झाड़ लेगा ऐसे। अब आपको दिखाएगा लिखा हुआ नियम, नस्ल की गारंटी है जीवन की नहीं, और आपका 10,000 पानी में चला जाएगा। तो कभी भी 30 दिन से कम उम्र का बच्चा नहीं लेना चाहिए, ना ही बेचना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। ये एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एथिक्स रूल के खिलाफ है। हमेशा 30 दिन के ऊपर का बच्चा ले, 32 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 2 महीने का बच्चा लीजिए। अगर आपका बच्चा सुस्त है, सुबह खाया, दोपहर नहीं खा रहा है, शाम को नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसकी तबीयत खराब है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको बुखार है। इस केस में आप किसी भी दवा की दुकान पे, इंसानों के दवा की दुकान पे ये सिरप देखें, आपको मिल जाएगा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल P250, ये 250 mg का है, ये 125 mg का भी आता है। तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बच्चे को आप 2 ml सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दे, 2 दिन लगातार दे। ये बुखार की दवा, ये ना मिले तो आप आइबोजेसिक प्लस, आइबोजेसिक प्लस, ये इसमें भी पैरासीटामोल का सॉल्ट है, आइबुप्रोफेन भी है, बदन दर्द, शरीर दर्द, सिर दर्द को भी ये दूर करती है, ये भी 2 ml सुबह, दोपहर, शाम आप दे सकते हैं। इत्तफाक से अगर ये भी ना मिले तो दुनिया के हर कोने पे क्रोसिन, ये अवेलेबल है, 1-1 ml या 10-10 बूंद आप जरूर अपने बच्चों को दें। 2 दिन तक दे, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर सिर्फ बुखार है, अगर वॉमिटिंग हो रहा है, तो वॉमिटिंग में रामबाण दवा है पेरिनॉर्म, PERINORM, पेरिनॉर्म दवा को 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, 1 दिन देने से आपके बच्चे की उल्टी बंद हो जाएगी। अगर लूज मोशन भी हो रहा है साथ साथ में, तो इन दोनों दवाओं के साथ आप लूज मोशन की दवा नॉरमेट्रोजिल 2 ml सुबह, दोपहर, शाम, 2 दिन तक लगातार दीजिए, लैट्रिन में सुधार होगा। ये ना मिले तो जानवर की दुकान पे ओफ्लोकाइंड मिलता है, ओफ्लोक्सासिन का सॉल्ट है इसके अंदर, ये बहुत ही तेज दवा है, 2 ml सुबह, दोपहर, शाम, 1 दिन देंगे, लैट्रिन में सुधार हो जाएगा। और अब है इन सब का बाप ग्रिप्टोलैन, इसको मात्र आप 2 डोज देंगे अपने बच्चे को, 1 ml सुबह, 1 ml शाम, तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रिप्टोलैन जानवरों के दुकान पे, वेटनरी स्टोर पे और हर एक पशु दवा विक्रेता के आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी है, सौरभ डॉग कैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। अधिक जानकारी आपको इसके अलावा अगर चाहिए, हमारा पेटीएम नंबर है 9140752208, 9140752208, 9140752208। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और पेटीएम में हमारी कंसल्टेंसी, छोटी सी फीस है 200 रुपए की, 200 रुपए का रिचार्ज करें, अपना सवाल, अपने जानवर की तकलीफ, अपने आपको जो भी सलाह चाहिए मुझसे, रिचार्ज करने के बाद फोन करके आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आपकी फीस डिपॉजिट कर दिया है और मेरी ये परेशानी है, मुझे ये दवा बताइए या ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बैंगलोर से मेरे पास एक कॉल आया था, उसमें एक बुल मैस्टिफ बिच थी जिसने 9 बच्चे दिए थे, 9 के 9 बच्चे डेथ कर गए थे और माँ भी मरने के कगार पे थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की आशीर्वाद से, परमेश्वर की दया से, सही टाइम पे उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया,
पांच दिन उस बच्ची का ट्रीटमेंट चला, 1000 रुपए उन्होंने पेटीएम में हमारे रिचार्ज कराया, और आज उन बच्चों की माँ सकुशल है, जो मेरे कंसल्टेंसी में आने के बाद, हमारी जानकारी में आने के बाद, दवाएं वही थी। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग उन डॉक्टरों के पास जाते हैं जो कैटल्स पे प्रैक्टिस करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी पे, वो महीने में 1000 गाय भैंस भेड़ बकरी देख रहे होते हैं, तो महीने में एक या दो डॉग देखते हैं, तो वो आपके डॉग का सही मर्ज पकड़ नहीं पाते, इसलिए डॉग कभी बच नहीं पाता। इसलिए कभी ऐसी मुश्किल आ रही हो, डॉक्टर हो फिर भी आराम ना मिल रहा हो आपके पशु को, बेझिझक आप इस नंबर पे कॉल करें, कॉल करने के बाद हमसे संपर्क करें, पेटीएम में रिचार्ज करें, और हमारी कंसल्टेंसी फीस पे करने के बाद हमारा ट्रीटमेंट फोन पे और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा शुरू हो जाता है। थैंक यू सौरभ।